अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 5। टुडे वी विल रीड लेसन 4, क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की आबो हवा। क्लाइमेट, आबो हवा। क्लाइमेट इज डिफाइंड एज द एवरेज वेदर कंडीशन इन एन एरिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आबो हवा को एक तवील अरसे के दौरान किसी इलाके में और सात मौसमी हालात के तौर पर बयान किया जाता है। इट इज द एवरेज वेदर यूजली टेकन ओवर अ 30-year टाइम पीरियड फॉर अ पर्टिकुलर रीजन। आमतौर पर यह किसी इलाके के लिए 30 साल के अरसे में लगा हुआ मौसम है। वेदर, मौसम, इज जस्ट द स्टेट ऑफ द एटमोसफेयर ऑफ पर्टिकुलर प्लेस एट एनी टाइम इंक्लूडिंग फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर, प्रिसिपिटेशन, एयर प्रेशर एंड क्लाउड कवर। किसी भी वक्त मौसम किसी खास जगह की फिजा की सिर्फ वही हालत है जिसमें दर्ज हरारत, बारिश, हवा का दबाव और बादल का इहाता करने वाला अवामिल शामिल है। वेदर इज नॉट द सेम एवरीवेयर। इट मे बी हॉट एंड सनी इन वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बट फ्रीजिंग एंड स्नोई इन अनदर। हर जगह मौसम एक जैसा नहीं होता। हो सकता है कि ये दुनिया के एक हिस्से में गर्म और धूप हो लेकिन दूसरे हिस्से में बर्फबारी बर्फबारी हो रही हो। वेदर चेंजेस फ्रॉम डे टू डे एंड इवन फ्रॉम हॉर टू हॉर। इन कंट्रास्ट क्लाइमेट टेक्स डिकेड्स एंड इवन सेंचुरीज टू चेंज। मौसम दिन ब दिन और यहाँ तक के हर घंटे में तब्दील होता रहता है। इसके बरअक्स आबो हवा को तब्दील होने में सदियां या फिर 10 साल का अरसा लगता है। फैक्टर्स दैट इफेक्ट क्लाइमेट। अ नंबर ऑफ फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। वी कैन लर्न इट थ्रू द वर्ल्ड लैपटॉप। लेट्स नो अबाउट दीज फैक्टर्स। मोतादाद अवामिल एक खास इलाके की आबो हवा को मुतासिर करते हैं। हम इसे लफ्ज लैपटॉप के जरिए सीख सकते हैं। आइए इन अवामिल के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, लैपटॉप। L स्टैंड फॉर लैटिट्यूड, A स्टैंड फॉर एल्टीट्यूड, P स्टैंड फॉर प्रॉक्सिमिटी टू वाटर, T स्टैंड फॉर टोपोग्राफी, O स्टैंड फॉर ओशन करंट्स एंड P स्टैंड फॉर प्रिवेलिंग विंड्स। लैटिट्यूड। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज इज लैटिट्यूड। लैटिट्यूड जो है वो मौसमियाती तब्दीली का सबसे अहम अवामिल है। सन रेज फॉल डायरेक्टली ऑन टू द इक्वेटर। रीजन्स नियर द इक्वेटर रिसीव मोर सनलाइट थ्रू आउट द एयर एंड कीप वार्म एयर अराउंड। एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर, सन रेज फॉल ऑन द अर्थ एट एन एंगल। सूरज की शुआएं जो होती हैं वो सीधा इक्वेटर के ऊपर गिरती हैं। इक्वेटर के करीब इलाकों को साल भर में ज्यादा सूरज की रोशनी मिलती है और साल भर गर्म रहते हैं। जब हम इक्वेटर से दूर हो रहे होते हैं, सूरज की रोशनी एक एंगल पर जमीन पर पड़ती है। द हायर द लैटिट्यूड द लेस सनलाइट अ प्लेस गेट्स। पोलर एरियाज रिसीव लेस सनलाइट एंड थस रिमेन कूल थ्रू आउट द ईयर। लैटिट्यूड जितना ऊंचा होगा सूरज की रोशनी उतनी ही कम होगी। पोलर इलाकों में सूरज की रोशनी कम आती है और इस तरह साल भर ये इलाके ठंडे रहते हैं। एल्टीट्यूड। एज वी गो हायर एंड हायर अबव सी लेवल द टेम्परेचर कंटिन्यूस टू डिक्रीजेस। जैसे जैसे हम सतह समुद्री से बुलंदी पर जाते हैं दर्जे हरारत में कमी होती रहती है। अ लोकेशन एट द टॉप ऑफ अ माउंटेन हैज अ लोअर एवरेज टेम्परेचर देन वन एट द बेस ऑफ दैट माउंटेन। पहाड़ की चोटी पर एक मकाम इस पहाड़ की बुनियाद पर औसत दर्जे हरारत एक से कम है। हिल स्टेशंस इन पाकिस्तान लाइक मरी, नारायणगढ़ etc. आर कूलर देन प्लेन एरियाज ऑफ पंजाब एंड सिंध। पाकिस्तान में हिल स्टेशन जैसे मरी, नारायणगढ़ वगैरह पंजाब और सिंध के सीधे इलाकों से कहीं ज़्यादा
ठंडा होता है। प्रॉक्सिमिटी टू वाटर। वाटर इज अ फैक्टर दैट कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स क्लाइमेट। पानी एक ऐसा आंसर है जो आबो हवा को कंट्रोल और रेगुलेट करता है। ओशंस हीट अप एंड कूल डाउन मच स्लोअर देन लैंड। समंदर जो है वो बहुत जल्द गर्म और ठंडा हो जाता है जमीन के बनिस्बत। देयरफोर कोस्टल एरियाज आर कूलर इन समर एंड वार्मर इन विंटर देन एरियाज अवे फ्रॉम अ कोस्ट। जैसे कि समंदरी इलाके जो हैं वो गर्मियों में ठंडे रहते हैं और सर्दियों में गर्म रहते हैं, बनिस्बत उन इलाकों के जो समंदरी इलाकों से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, समंदरों से दूर होते हैं। Thus, the areas closer to seas have moderate climate. It is neither too hot nor too cold there. इसी तरह समंदर के करीब इलाकों में मौतदल आबो हवा होती है, ये ना ही तो ज़्यादा गर्म होते हैं और ना ही ज़्यादा ठंडे होते हैं। टोफोग्राफी। A mountain has two sides, windward and leeward. Whenever it is raining, the side which gets the rain is called the windward side. As a cloud goes up the mountain, it keeps raining until there is no more water in the cloud. एक पहाड़ के दो पहलू हैं, विंडवर्ड और लीवर्ड। जब भी बारिश हो रही होती है, जिस तरफ बारिश होती है उसे विंडवर्ड की तरफ कहा जाता है। जब बादल पहाड़ के ऊपर जाता है तो बारिश होती रहती है जब तक के बादलों में पानी खत्म ना हो जाए। Now, as the cloud goes to the other side, leeward of the mountain, it does not rain over there. So the leeward side of the mountain does not get rain. It is also known as the rain shadow effect. अब जब बादल पहाड़ के दूसरी तरफ यानी बाएं तरफ जाता है तो वहां बारिश नहीं होती है, तो पहाड़ की बाएं तरफ जो है वो बारिश से महरूम रहता है, यानी कि वो हिस्से में बारिश नहीं होती। उसे बारिश के साए असर के नाम से भी जाना जाता है। दैट इज वाई क्लाइमेट इज ऑफन डिफरेंट ऑन अदर साइड ऑफ अ माउंटेन। इसी वजह से पहाड़ के दोनों तरफ यानी दोनों तरफ में आबो हवा अक्सर मुख्तलिफ होती है। ओशन करंट्स। An ocean current is a continuous flow of water in the ocean. Ocean currents can warm or cool the air above and thus affect climate. समंदर में मौजूदा पानी का एक मुसलसल बहाव रहता है। उकियानूस धारें ऊपर की हवा को गर्म या ठंडा कर सकते हैं। Seas closer to the equator are warmer. Hence, warmer ocean currents raise the temperature of nearby land. जो समंदर इक्वेटर के करीब होता है वो गर्म रहता है, लिहाजा गर्म समंदरी धारें करीब की जमीन का दर्जा हरारत बढ़ा देती हैं। ऑन द अदर हैंड कोल्ड वाटर करंट्स मेक द सराउंडिंग एरियाज कूलर एंड ड्रायर। दूसरी तरफ ठंडे पानी की धारों ने आसपास के इलाकों को ठंडा और खुश बना दिया है। प्रिवेलिंग winds, the movement and direction of winds affect climate. If winds are coming from warm areas, they will raise the temperature. If winds are blowing from cold areas, they will lower the temperature. हवाओं की नकल व हरकत और सिमत आबो हवा को मुतासिर करती है। अगर गर्म इलाकों से हवाएं आ रही हैं तो वो दर्जा हरारत में इजाफा करेंगे, अगर सर्द इलाकों से हवाएं चल रही हैं तो वो दर्जा हरारत को कम कर देती हैं। टाइप्स ऑफ क्लाइमेट। द वर्ल्ड्स क्लाइमेट कैन बी डिवाइड इनटू थ्री जोन्स विद रेस्पेक्ट टू लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड की लाइंस की बिना पर क्लाइमेट जो है वो आबो हवा जो है दुनिया का उसको तीन जोन्स में तकसीम किया गया है। ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिज जोन। The tropical zone lies near the equator. It is located between 23.5 degree north and south of the equator. Sun rays reach the earth directly in this region. Thus, it is very warm in this zone throughout the year. Due to an increase in temperature, water evaporates,
रिजल्टिंग इन रेनफॉल. द प्लेस नियर द इक्वेटर रिसीव अ लॉट ऑफ रेन. ट्रॉपिकल जोन इक्वेटर के करीब वाक़ है. ये इक्वेटर के 23.5 डिग्री शुमाल और जनूब में वाक़ है. सूरज की शुआएं सीधा इस इलाके पर पहुंचती हैं. इसी तरह ये जोन साल भर गर्म रहता है, जिसकी वजह से दर्जा हरारत बढ़ता है, आबी बुखारात बनते हैं, जिसके नतीजे में बारिश होती है. जो जगह इक्वेटर के करीब होती हैं वहाँ ज़्यादा बारिश होती है. टेम्परेट जोन. द टेम्परेट जोन लाइज बिटवीन द ट्रॉपिकल जोन एंड द आर्टिक जोन. इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर द टेम्परेट जोन इज लोकेटेड बिटवीन 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 66.5 डिग्री नॉर्थ. इन द साउथर्न हेमिस्फीयर इट इज लाइज बिटवीन 23.5 डिग्री साउथ एंड 66.5 डिग्री साउथ. सन रेज रीच हेयर विथ एन एंगल. टेम्परेट जोन ट्रॉपिकल जोन और आर्टिक जोन के दरमियान में वाक़ है. शुमाल के आधे गोले में टेम्परेट जोन 23.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री नॉर्थ के बीच में वाक़ है. जुनूबी आधे गोले में ये 23.5 डिग्री साउथ और 66.5 डिग्री साउथ के दरमियान वाक़ है. सूरज की शुआएं यहाँ एक एंगल के साथ पहुँचती हैं. दस द टेम्परेचर इज माइल्ड एंड वेरीज विद सीजन्स. समर्स आर हॉट एंड ड्राई एंड विंटर्स आर माइल्ड एंड वेट. इसी तरह दर्जा हरारत हल्का और मौसमों के साथ मुख्तलिफ होता है. गर्मियाँ गर्म और खुश्क हैं और सर्दियाँ हल्की और गीली हैं. फ्रिजिड जोन द फ्रिजिड जोन लाइज बिटवीन 66.5 नॉर्थ डिग्री आर्टिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल और बिटवीन 66.5 साउथ डिग्री एंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल. फ्रिजिड जोन 66.5 नॉर्थ डिग्री आर्टिक सर्कल और शुमाली कुतुब या 66.5 साउथ डिग्री एंटार्कटिक सर्कल और जनूबी कुतुब के दरमियान वाक़ है. सन रेज स्ट्राइक पोलर जोन्स एट वेरी स्मॉल एंगल्स एंड दस द टेम्परेचर इज वेरी लो. दिस जोन इज कवर्ड विद आइस. द फ्रिजिड जोन इज द कोल्डेस्ट रीजन ऑन द अर्थ. सूरज की शुआएं एक छोटे एंगल से पोलर जोन पर हमला करती हैं. ये जोन बर्फ से ढका हुआ होता है. फ्रिजिड जोन जमीन का सर्द तरीन खत्ता है. क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान कैन बी डिवाइड इंटू द फॉलोइंग क्लाइमेटिक रीजन्स कीपिंग इन व्यू द वेरियस क्लाइमेटिक फैक्टर्स. मुख्तलिफ आबो हवा के अवामिल को मंदरजा ज़ेल रखते हुए पाकिस्तान को दर्जे ज़ेल आबो हवा वाले इलाकों में तकसीम किया गया है. 1. सब ट्रॉपिकल कॉन्टीनेंटल हाईलैंड. 2. सब ट्रॉपिकल कॉन्टीनेंटल प्लेट्यू. 3. सब ट्रॉपिकल कॉन्टीनेंटल लोलैंड. 4. सब ट्रॉपिकल कोस्टल एरियाज. सब ट्रॉपिकल कॉन्टीनेंटल हाईलैंड. दिस रीजन कंसिस्ट ऑफ नॉर्थर्न नॉर्थ वेस्ट एंड वेस्टर्न हाईलैंड्स. मरी चित्राल सवाद जोब कोयटा मकरान इटीसी आर इंक्लूडेड इन दिस रीजन. विंटर इज कोल्ड एंड ऑफन द टेम्परेचर गोज बिलो फ्रीजिंग. इसमें शुमाली मगरबी और मगरबी पहाड़ों को शामिल किया गया है. ये खत्ता शुमाली मरी चित्राल सवात जोब कोयटा मकरान खत्ते पर मुश्तमिल है. सर्दियों में सर्दी होती है और अक्सर दर्जा हरारत अंजाम से नीचे जाता है. द पीक्स ऑफ द माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर. समर रिमेन्स शॉर्ट एंड माइल्ड. ड्यू टू कोल्ड क्लाइमेट पीपल आर इन्वॉल्व इन इंडोर एक्टिविटीज लाइक कारपेट मेकिंग एंड एम्ब्रॉयडरी. यूजली दे टेक हॉट ड्रिंक्स एंड ड्राइड फ्रूट्स. हाउसेज आर बिल्ट विद स्लोप्ड रूफ्स इन प्लेसेस दैट रिसीव अ लॉट ऑफ स्नो एंड रेन. इट इज ऑल्सो अ कॉमन प्रैक्टिस ऑफ द पीपल टू मूव टू प्लेन एरियाज इन विंटर. पहाड़ों की चोटियाँ साल भर बर्फ़ से छुपी रहती हैं. मौसम गर्म मुख्तसर और हल्का रहता है. सर्द आबो हवा की वजह से लोग कालीन साजी और कढ़ाई जैसी
इंडोर सरगर्मियों में मुलविस रहते हैं। आमतौर पर वो गर्म मशरूबात और खुश्क मेवा जात लेते हैं। मकानात ऐसी जगहों पर ढली हुई छतों से बने हुए हैं जिनमें बहुत बर्फ और बारिश होती है। लोगों का सर्दियों में सादा इलाकों में मुंतकिल होना भी एक आम रिवाज है। सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। दिस रीजन इनकम्पासिस द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द बलूचिस्तान प्रोविंस। हेयर विंटर इज कोल्ड एंड द टेम्परेचर इन समर गोज हाई इनफ एंड ऑफन डस्ट स्टॉर्म्स प्रिवेल। अलाउ इट इज अ हाई एल्टीट्यूड रीजन, मोस्ट एरियाज हैव टर्न इनटू एरिड डेजर्ट ड्यू टू लैक ऑफ रेनफॉल। आइडियल हैबिटेशन एंड कल्टिवेशन इज नॉट पॉसिबल हेयर बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट। ड्यू टू कोल्ड ड्राई क्लाइमेट एंड विंटर रेन दीज एरियाज आर सुटेबल फॉर ग्रोइंग फ्रूट्स लाइक एप्पल्स, डेट्स, पीचिस, ग्रेप्स इटीसी। ये खिता सूबा बलोचिस्तान के शुमाल मगरबी हिस्से पर मुश्तमिल है। यहाँ सर्दियों में सर्दी होती है और गर्मियों में दर्जा हरारत काफ़ी हद तक बढ़ जाता है और अक्सर धूल के तूफान गालिब रहते हैं। अगरचे ये ऊंचाई का खिता है लेकिन ज़्यादा बारिश ना होने की वजह से बंजर सहरा में तब्दील हो गई है। इंतहाई आबोहवा की वजह से यहाँ मिसाली रिहाइश और काश्त मुमकिन नहीं है। सर्दी खुश्क आबोहवा और सर्दियों की बारिश की वजह से ये इलाके सेब, खजूर, आड़ू, अंगूर वगैरह की उगने वाले फलों को बहुत ज़्यादा सुटेबल करता है, यानी कि बहुत ज़्यादा ये इलाका इन फलों को उगाने के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल होता है। सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंट लोलैंड। दिस रीजन इंक्लूड्स द इंटीरियर ऑफ पंजाब एंड सिंध प्रोविंसेस। इट्स क्लाइमेट इज जनरली एरिड एंड एक्सट्रीम। हेयर समर रिमेन्स लॉन्ग एंड हॉट बट विंटर इज कूल एंड शॉर्ट। दिस इंक्लूड द हॉटेस्ट प्लेस ऑफ द कंट्री सच एज जैकबाबाद एंड सिब्बी। मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर इज वार्म एंड ड्राई। इस खत्ते में पंजाब और अंदरूनी सूबे सिंध शामिल है। इसकी आबो हवा आमतौर पर खुश्क और इंतहाई गर्म होती है। यहाँ गर्मियाँ तवील और गर्म रहती हैं लेकिन मौसम सर्दियों में ठंडा मुख्तसर होता है। ये मुल्क की सबसे गर्म जगहों में शामिल हैं। इनमें जैकबाबाद और सिब्बी जैसी गर्म तरीन जगह शामिल हैं। साल का बेशतर हिस्सा गर्म और खुश्क रहता है। सो पीपल वेयर लूज फिटिंग कॉटन क्लॉथ्स एंड लाइक टू टेक कोल्ड ड्रिंक्स एंड ईट फूड दैट इज ईजी टू डाइजेस्ट। एग्जाम्पल वेजिटेबल्स, पल्सेस। दे यूजली डू नॉट टेक पार्ट इन आउटडोर एक्टिविटीज ड्यूरिंग द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे। देयर हाउसेज हैव फ्लैट रूफ्स विद सफिशेंट वेंटिलेशन। खुश्क लिहाजा लोग ढीले लगने वाले रुई के कपड़े पहनते हैं और ठंडे मशरूबात लेकर खाना खाना पसंद करते हैं जो हजम करना आसान है, जैसे सब्जियां, दालें वगैरह। वो आमतौर पर दिन में सबसे ज़्यादा गर्मी के दौरान बैरूनी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेते हैं। इनके मकानात में वेंटिलेशन की मुनासिब छतें हैं। सब ट्रॉपिकल कोस्टल एरियाज। दिस रीजन इंक्लूड्स द कोस्टल स्ट्रिप अराउंड कराची एंड मकरान इन बलूचिस्तान। हेयर ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द सी द टेम्परेचर रिमेन्स मॉडरेट बट ह्यूमिडिटी रिमेन्स इन द एटमोसफेयर। सिंस द क्लाइमेट इज मॉडरेट पीपल वेयर कॉटन क्लॉथिंग फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। द मोस्ट कॉमन प्रोफेशन ऑफ द पीपल लिविंग हेयर इज फिशिंग। दे ईट सी फूड सच एज फिशिंग फिश प्रॉन्स एंड श्रिम्प्स। हाउसेज आर प्रॉपरली वेंटिलेटेड। इस खत्ते में कराची और बलूचिस्तान में मकरान के आसपास की साहिली पट्टी शामिल है। यहाँ समंदर के असर व सुरूप की वजह से दर्जा हरारत एतदाल पसंद रहता है लेकिन माहौल में नमी बाकी रहती है क्योंकि आबो हवा मोतदिल है। इसलिए लोग साल के बेशतर हिस्से में सूती कपड़े पहनते हैं
यहाँ रहने वाले लोगों का सबसे आम पेशा माहीगिरी है, यानी कि मछलियाँ पकड़ना। वो समंदरी गिज़ा खाते हैं, जैसे मछली, झींगे और केकड़े वगैरह। मकानात हवादार हैं। कैन यू टेल विच क्लाइमेटिक जोन यू लिव इन? क्या आप बता सकते हैं कि आप किस मौसमी जोन में रहते हैं? तो मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको क्लाइमेट और वेदर के बारे में समझ में आया होगा। तो अब हम अपने नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे इंशाल्लाह। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।